अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर अब्दुल बासित तारी, पीएचडी स्कॉलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एमआरएसओ के फोरम से शरी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए अपने मेहमान मुफ्ती मोहम्मद बिलाल साहब के साथ हाजिर हूँ। और आज हमारे सिलसिला अहकाम शरीयत में रोज़ा के रोज़मर्रा मसाइल को ज़ेर-ए-बहस लाया जाएगा और मुफ्ती साहब शरी रहनुमाई में हमें हमारे मसाइल का हल बयान करेंगे। इससे पहले कि हम अपने रोज़मर्रा मसाइल मुफ्ती साहब से पूछें, मैं मुफ्ती साहब का मुख्तसर तारुफ आपके सामने रखना चाहूँगा। मुफ्ती साहब ने हिफ्स मुकम्मल किया जामिया निज़ामिया चाहभट्टी वाला, जो ज़िला डेरा गाज़ी खान की तहसील है। आपका दरस निज़ामी जामिया बारविया शामसुल मदारिस काला कॉलोनी से मुकम्मल हुआ। आपने दौरे हदीस की तकमील मदरसा आलिया महमूदा महमूदिया तौसा शरीफ से की और मुफ्ती कोर्स की तकमील के लिए आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाल मदीना कराची तशरीफ ले गए। सनद इफ्ता आपकी बाल मदीना कराची से है। आप इस वक्त मदरस हैं मदरसा आलिया महमूदा महमूदिया में और आप बानी भी हैं, अपना एक इदारा भी माशाल्लाह चला रहे हैं, जामिया रज़विया फैज़ान पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह। आप इल्मी और तहकीकी मौज़ूआत पर अब कलम भी उठा रहे हैं और तारीर तकरीर के ज़रिए से वाज़ो नसीहत के ज़रिए से तौसा शरीफ की सरजमीन में मुख्तलिफ मकामात पर आया शहर हो या बस्ती, छोटे बड़े इलाकों में बिला तफरीक रंग नस्ल और तबका अमीर गरीब हर एक की शरी रहनुमाई के लिए मैंने बज़ात खुद मुफ्ती साहब को पेश पाया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब आपको जहाँ भी शरी रहनुमाई की ज़रूरत हुई मुफ्ती साहब बनफ्स नफीस तशरीफ ले जाते हैं और लोगों के मसाइल को देखकर उनके शरी रहनुमाई के लिए हर दम का कमर बस्ता रहते हैं, इल्मी और तहकीक के हवाले से मुकम्मल तसल्ली बख्श जवाब फराहम करते हैं। तो चूंकि माह रमज़ानुल मुबारक है, हमारी काफ़ी अरसा से कोशिश भी थी सोच भी थी कि अवाम की रहनुमाई के लिए उलमा को और इस तरफ मुतवज्जे किया जाए और मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह में वक्त नियत किया। आपकी शफकत है, मेहरबानी, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत वसत अता फरमाए। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही हमने इन मामलात को डिस्कस करना शुरू किया था मुफ्ती साहब के साथ और आज हम अपने इस शरी अहकामात के बयान के डिजिटल फोरम से पहले सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। ये सिलसिला आपको YouTube चैनल जो जामिया रज़विया पीर पठान का है वहाँ पे भी मिलेगा, हाफिज़ महबूब साहब के YouTube चैनल पे भी मिलेगा, एमआरएसओ के वेबसाइट पर और उसके चैनल पर भी आपको ये मिलेगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसमें दिलचस्पी लेंगे, अपने दुनिया और आखरत की फलाह और बहबूद के लिए अपने सवालात हमें कमेंट्स में भी भेजेंगे या हमारा फ़ोन नंबर भी चल रहा होगा या हमारी वेबसाइट का विज़िट करके भी आप हमें कुछ चीज़ें भेज सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस भी मौजूद होगा तो हमें सवालात आप ईमेल भी कर सकते हैं। यानी हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए हर हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल अज़्म के साथ आपके साथ चलेंगे। तो आज हम अपने पहले सिलसिले के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 रमजान मुबारक 1441 सन हिजरी बामुताबिक 6 मई 2020 बरोज बुध बाद नमाज जोहर, जो मेरे सामने लैपटॉप पे टाइम चल रहा है इस वक्त 4:29 है। तो आज हम अपने इस सिलसिले का पहला सवाल मुफ्ती साहब से अर्ज करेंगे। मुफ्ती साहब, हमें आप रहनुमाई इरशाद फरमाएं कि रमज़ान मुबारक में अगर फ़र्ज
जमात से रह गए और कुछ तरावी जमात से पहले पढ़ ली। जमात हो रही थी, एक फर्द पहुंचे, फर्ज नमाज हो गई थी, तरावी हो रही थी, तरावी में शामिल हुए, लेकिन वो वितर पढ़ते हैं बाद में, तो आया वो फर्ज नमाज जो जमात के साथ ना पढ़े, वितर बाजमात बाद में पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा शख्स जो फ़र्ज जमात से रह गया मगर इमाम के साथ कुछ तरावियां अगर उसने पढ़ ली हैं जमात के साथ, तो ऐसा शख्स वितर जमात के साथ पढ़ सकता है, क्योंकि जो वितर हैं वो तरावी के ताबे हैं। जब उसने तरावी की कुछ रकातें जमात के साथ पढ़ ली हैं तो वो वितर की जमात के साथ उसको मतलब मुकम्मल तौर पे तरावी की कोई भी रकात नहीं पढ़ सका साथ, और वितर की नमाज पढ़ ले तो क्या उससे भी वितर उसके हो जाएंगे? तरावी की कोई एक रकात भी उसे ना मिले? हाँ, अगर उसको तरावी की कोई भी रकात नहीं मिली तो फिर भी वो वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, अकेले पढ़ने से बेहतर है। जज़ाकअल्लाह खैर। अच्छा, इसी तरह से एक और सवाल, अगर फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ते हुए उधर से एक दो रकात हो चुकी हो दूसरी रकात में इमाम साहब, और इधर से हम सुन्नत शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में क्या हम सुन्नत तर्क करके जमात में शरीक हो जाए, या पहले सुन्नत पढ़ें आया जमात रह जाए हमारी, तो इस मामले में हम क्या? अगर कोई नमाजी आता है मस्जिद में और जमात खड़ी हो चुकी है और वो नमाजी देखता है कि अगर मैं सुन्नतें पढ़कर जमात में शामिल हो जाऊंगा तो उसको पीछे वाली सफ़ में पहले सुन्नतें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन फजर की सुन्नतों के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद आई है, ये सुन्नतें वाजिब के करीब करीब हैं, इसलिए पहले उसको सुन्नतें पढ़नी चाहिए फिर जमात के साथ शामिल हो जाना चाहिए। और अगर देखता है कि वो मैं सुन्नतें पढ़ता हूँ तो फ़र्ज की जमात से रह जाऊँगा तो ऐसी सूरत में उसको सुन्नतें तर्क कर देनी चाहिए, वो जमात में शामिल हो जाए, फिर जब सूरज तुलू हो जाए, सूरज के तुलू होने के कम से कम 20 मिनट बाद वो अपनी कज़ा सुन्नतें पढ़ लें। अच्छा, एक रोज़े से मुतालिक सवाल है, जो अमूमन मुख्तलिफ कैलेंडर्स पर नियत दर्ज की जाती है, और जब आइमा मसाजिद ऐलान करते हैं कि रोज़ा का वक्त ख़त्म हो रहा है और खाना पीना बंद कर दें, तो उस वक्त भी एक नियत पढ़ी जाती है, वहाँ भी सुनने वाले नवई तुम इंशाअल्लाह मुताम, ये नियत पढ़ी जाती है, क्या इस नियत का पढ़ना ज़रूरी है रोज़े के लिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। गुजारिश है कि नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। जब हम सुबह रोज़ा रखने के लिए उठते हैं, हमने सहरी खाई है, तो जाहिर सी बात है हमने ये जो सहरी खाई है रोज़े की नीयत से ही हमने सहरी कही है, तो हमारे दिल के अंदर रोज़े की नीयत पाई गई है। अगर हम ये वाबे सौमे का दिन ना गए तो ये जो नीयत पढ़ी जाती है, अगर ज़ुबानी ना भी पढ़े इसमें रोज़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये जो नीयत पढ़ी जाती है अगर ये ज़ुबानी पढ़ी जाए तो मुस्तहब है, इस नीयत का पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा। अलबत्ता एक मसला ये मैं गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसा शख्स जो आदमी मरीज है या कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से अब उसका रोज़ा रखना कन्फर्म नहीं है, वो सहरी तो कर रहा है यानी खाना तो खा रहा है, और उसने ये नियत किया कि अगर मेरी तबीयत ठीक रही या कोई मजबूरी ना आई तो मैं रोज़ा रख लूँगा, तो ऐसे शख्स जो है वो तकरीबन 11:15 बजे तक, चूँकि दहवाए कुबरा का जो टाइम है वो कम बे 11:15 है, तो 11:15 बजे तक वो रोज़े की नियत कर सकता है। फिर वो इस तरह नियत करेगा कि मैं सुबह सादिक से ही रोज़ेदार हूँ, इस तरह नहीं नियत करेगा कि मैं अब से रोज़ेदार हूँ, क्योंकि रोज़े का जो वक्त है वो सुबह सादिक से ही शुरू हो जाता है, इस तरह वो नियत करेगा तो उसका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये इफ्तारी की दुआ पढ़ी जाती है, ये कब पढ़नी चाहिए, इसका वक्त कौन सा होता है, तो इफ्तारी के बाद या इफ्तारी से पहले या अजान होने से पहले या अजान होने के बाद, ये इसका कौन सा? देखें, जब हम इफ्तारी के करीब जाते हैं
तो अगर वक्त रहता है तो हमें कुछ मसनून दुआएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो मकबूलियत के लम्हात होते हैं। और ये जो इफ्तारी की नियत हम दुआ पढ़ते हैं, ये दुआ इफ्तारी के बाद पढ़नी चाहिए, ना कि इफ्तारी से पहले, क्योंकि जब हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, रोज़ा अल्लाह की रजा के लिए हमने रखा, और इस नियत का मफहूम भी यही है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए रोज़ा रखा है और अपने रब की रजा पर तवक्कुल करते हुए उसने जो मुझे रिस्क दिया है मैं उसके दिए हुए रिस्क से इफ्तार कर रहा हूँ, तो खाना खाने के बाद उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए, ना कि इफ्तार करने से पहले। हमारे यहाँ ये भी एक समय पाई जाती है, रविश पाई जाती है आवाम की, कि जो रोज़ा रखने की नीयत है उसके बगैर वो समझते हैं कि शायद रोज़ा नहीं होता, और जो दुआ इफ्तारी को पढ़ी जाती है वो भी यही समझते हैं कि शायद जब तक ये दुआ ना पढ़ी जाए, अगरचे वक्त रोज़े की इफ्तारी का हो चुका हो, तब भी अगर ये दुआ ना पढ़ी जाए तो शायद वो यही समझ रहे होते हैं कि रोज़ा टूट गया या रोज़ा हमने इफ्तार नहीं किया। तो जो सहरी का वक्त है उससे मुतालिक भी मुफ्ती साहब ने रहनमाई की कि जो जब टाइम ख़त्म होता है तो उसके बाद आपका दिल में चूँकि इरादा था, आपने खाना खाया इसलिए था कि आप रोज़ा रखने जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए वो नीयत के अल्फाज जो अपना रोज़ा रखने की नीयत है उसके अल्फाज अदा करना जुबान से ज़रूरी नहीं है। इसी तरह इफ्तार की दुआ से मुतालिक भी आप इफ्तारी कर लेते हैं उसके बाद रिस्क में बरकत के लिए ये दुआ पढ़ सकते हैं। दीगर दुआएं भी मसनून बयान हुई है, अच्छा जिनको किसी और मौके पर आपके सामने पेश किया जाएगा। दौरान रोज़ा बाज़ोकात मुफ्ता ये अमूमन सवाल पूछा जाता है कि टूथपेस्ट कर रहे होते हैं लोग, क्या टूथपेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है, या मिसवाक करना जायज़ है या नाजायज़ है, या इससे रोज़ा टूट जाता है, इससे मुतालिक आप कैसे? जी, रोज़े के दौरान हम मिसवाक कर सकते हैं क्योंकि मिसवाक करना सुन्नत मुबारक है, चाहे सुबह फर्स्ट टाइम हो सेकंड टाइम हो, मिसवाक जिस किस्म का भी हो, खुश्क हो या तर हो, तो मिसवाक करने में कोई हर्ज नहीं है। और रोज़े के दौरान हम टूथपेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो अंदेशा होता है कि इसके ज़र्रात अंदर चले जाएंगे, अगर ज़र्रात अंदर चले गए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, लिहाजा दौरान रोज़ा टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, मिसवाक करने में कुछ हर्ज नहीं है। इसी तरह से एक और है, दौरान रोज़ा अगर भूल कर कोई खा लेता है पी लेता है तो इससे तो रोज़े का कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, दौरान रोज़ा अगर कोई शख्स भूल कर खाता है या पीता है तो उसके रोज़े में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये कि अगर उसको याद आ गया जो लुकमा उसके मुंह में मौजूद था या पानी का जो घूंट उसके मुंह में मौजूद था, याद आने के बाद अगर फौरन वो लुकमा बाहर निकाल देता है, पानी बाहर फेंक देता है, तो रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, याद आने के बाद अगर वो लुकमा अंदर निकल गया या पानी का जो घूंट था वो निकल गया तो इस तरह उसका रोज़ा टूट जाएगा। और ये भी है कि अगर किसी शख्स को आप देखते हैं कि वो भूल कर खा रहा है या पी रहा है, आपको ये भी पता है कि वो रोज़ेदार है, तो अगर ऐसा शख्स कमज़ोर है, बूढ़ा है, तो आप उसको याद ना दिलाएं, कोई बात नहीं। और अगर वो ताकतवर है, जवान शख्स है, तो ऐसे शख्स को याद दिलाना चाहिए कि भाई आपका रोज़ा है, आप भूल कर खा पी रहे। दौरान रोज़ा खून देना किसी को, ब्लड डोनेट करना या इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, ये कैसा है? दौरान रोज़ा अगर कोई शख्स ताकतवर है और खून देने में उसकी तबीयत पर ज़्यादा कमज़ोरी नहीं महसूस होती, भूख प्यास की शिद्दत का एहसास भी नहीं होता, तो दौरान रोज़ा खून देने में कुछ हर्ज नहीं है। और अगर कोई शख्स कमज़ोर है, कमज़ोरी का ज़्यादा अंदेशा है या भूख और प्यास का ज़्यादा अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में रोज़े के दौरान खून देना मकरूह है, लेकिन अगर दिया है मजबूरी की सूरत में तो बहरहाल रोज़ा उसका नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आपने पूछा है दौरान रोज़ा इंजेक्शन लगवाना या ड्रिप लगवाना, इसके बारे में उलमाए किराम का मुख्तलिफ मौक़िफ है। तो कुछ उलमा ये कहते हैं कि रोज़े के दौरान अगर इंजेक्शन लगवाया तो रोज़ा टूट जाएगा। हमारे असातिज़ा किराम और बहुत से उलमा का मौक़िफ ये है कि
के दौरान रोजा अगर इंजेक्शन लगवाया या ड्रिप लगवाई तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। अच्छा। और फकीर का मौकफ भी यही है क्योंकि अपने असातिज़ा किराम से ये मौकफ सुना है, लिहाजा दौरान रोजा वो इंजेक्शन भी लगवा सकता है मजबूरी की सूरत में, ड्रिप भी लगवा सकता है। बाज़ सूरतों में ये भी आता है कि इंजेक्शन जो लगवा रहे हैं आप वो गोश्त में लगवाते हैं या नस में लगवाते हैं, इसका भी थोड़ा सा फर्क इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे आप खून में जो गोश्त का इंजेक्शन है वो लगवा रहे हैं या जो नस का मतलब रग में लगवा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, दोनों का एक। अच्छा, दौरान रोजा औरत बच्चे को दूध पिला सकती है? जी, दौरान रोजा औरत बच्चे को दूध पिला सकती है और रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता यह है कि शरीयत मुतहरा में चूंकि कुरान पाक की आयत है ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, ऐसी औरत जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाना है या हामला औरत देखती है कि अगर मैं रोजा रखूंगी तो इससे मेरी सेहत पे या बच्चे की सेहत पे बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा है तो शरीयत मुतहरा ने इजाजत दी है दूध पिलाने वाली औरत और हामला औरत अगर उसके लिए रोजा रखना मुश्किल हो तो वो रोजा छोड़ सकती है, बाद में इस रोजे की कजा करना लाजिम हो। कि रोजे खत्म होने के बाद यानी कि ऐलान मसाजिद से हो जाता है कि रोजे का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा खाना पीना बंद कर दें, मगर अवाम के अंदर बास जगहों पर ये वसवसा पाया जाता है, ख्याल होता है उनका कि अगरचे टाइम खत्म हो गया लेकिन जब तक आजान नहीं होती तब तक रोजे का टाइम बाकी है और वो खाते पीते रहते हैं, तो क्या इससे रोजे पर कोई फर्क पड़ता है, रोजा होता है ऐसे लोगों का कि ये नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल बासित भाई, आपने बहुत ही अहम और ज़रूरी सवाल किया है, तो इसके बारे में गुजारिश है कि सहरी का वक्त सुबह सादिक से पहले पहले है, सहरी के वक्त का अजान से कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह सादिक जब शुरू होती है तो उस वक्त रोजे का टाइम शुरू हो जाता है, हमारे जो खाने पीने का टाइम है वो सुबह सादिक से पहले पहले तक, अगर हमने सुबह सादिक से पहले पहले तक खा पी लिया और जो ही सुबह सादिक शुरू हुई तो हमने खाना पीना बंद कर दिया तो हमारा रोज़ा है, और अगर सुबह सादिक का टाइम शुरू हो गया अगरचे अजान नहीं आई, अजान दो मिनट देर से आई है लेकिन सुबह सादिक का वक्त शुरू हो गया, हम अजान के इंतज़ार में लगे रहे तो हमारा रोज़ा तो ज़ाय हो गया। तो मसलन आज सुबह सादिक का टाइम था 4:03 और जो हमारा सहरी का वक्त है वो 4:03 से पहले पहले तक है, 4:02 तक भी हमने खाया पिया तो हमारा रोजा हो जाएगा, लेकिन अगर 4:03 हो गए फिर भी हम खा पी रहे थे तो जो लुकमे हमारे मुंह में थे हमने अगर वो निगल लिए तो हमारा रोजा जाय हो जाएगा, ये रोजा नहीं होगा। इस बारे में हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम थोड़ी सी बेएहतियाती करें और बेएहतियाती की वजह से हमारा रोजा फौत हो जाए, सारा दिन हम भूख और प्यास भी बर्दाश्त करें लेकिन रोजा हमारा ना हो। अच्छा, इसी तरह से एक और सवाल है, वो ये कि दौरान रोजा थूक या बलगम इंसान निकल जाता है तो इससे रोजा टूट जाता है या रोजा नहीं टूट जाता? देखें, थूक अगर निकल गया या बलगम आया मुंह में, मुंह से बाहर नहीं निकला और वो निकल गया तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह हम दिन को वुजू करते हैं या नहाते हैं तो पानी के अंदर जो मुंह के अंदर जो पानी था वो तो हमने बाहर निकाल दिया लेकिन थोड़ी बहुत तर्री मुंह में रह जाती है तो उस तर्री से जो थूक पैदा होता है अगर वो हम निगल लेते हैं तो इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाज़ दोस्त बार बार थूकते रहते हैं, उनको इस तरह नहीं करना। दौरान रोजा अगर खुद ब खुद उल्टी आ जाती है चाहे वो मुंह भर के ही क्यों ना हो यानी बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो तो इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रोजा टूटता है अगर बाहर से कोई चीज अंदर जाती है तो इससे रोजा टूटेगा, ना कि अंदर से कोई चीज अगर बाहर आती है। हाँ, एक सूरत है अगर किसी शख्स ने खुद ब खुद उल्टी की है, मसलन उंगली मुंह में डाली है जिसकी वजह से उल्टी आई तो वो उल्टी अगर मुंह भर के है और मुंह भर के मकदार ये है कि अगर कोई शख्स आसानी से उसको रोकना चाहे तो रोक ना सके तो ये मुंह भर के उल्टी है, तो अगर मुंह भर के उल्टी आई और खुद ब खुद उल्टी की है
तो इससे रोजा टूट जाएगा। अगर मुंह भर के उठी नहीं आई, खुद ब खुद की है मगर उठी है थोड़ी, आसानी से उसको अगर रोके तो रोक भी सकते हैं, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। अच्छा, दौरान रोजा गुस्ल फर्ज हो जाता है, तो ऐसी सूरत में कुली करने के अहकाम या नाक में नरमंडी तक पानी चढ़ाने के अहकाम से मुतालिक शरीर फरमाना? जी, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। अगर दौरान रोजा एहतलाम हो जाए, इस पर रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और चूंकि गुस्ल करना लाजमी है और बिला जरूरत गुस्ल में ताखीर करना मना है, गुस्ल करते हुए कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे जिस्म पर पानी बहाना, ये तीन फर्ज है। चूंकि दौरान रोजा हम कुल्ली करने में या नाक में पानी डालने में मुबालगा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने मुबालगा किया हो सकता है कि पानी अंदर चला जाए तो रोजा टूट जाएगा, लिहाजा हम कुल्ली भी करेंगे, नाक में पानी भी डालेंगे और जिस्म पर पानी बहाएंगे भी, लेकिन मुबालगा नहीं करेंगे, यानी गरारे नहीं करेंगे। हाँ, इफ्तारी के बाद हम वो गरारे वगैरह कर सकते हैं। दौरान रोजा खुशबू सूंघते हैं लोग, तो इससे मुतालिक शरीर में या तेल लगाया जाता है बाजू पे, या कोई आंख में कान में दवाई डाली जाती है, तो इससे मुतालिक शरीर में? दौरान रोजा अगर हम खुशबू सूंघते हैं तो इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दौरान रोजा हम तेल भी लगा सकते हैं, दौरान रोजा हम आंखों में सुरमा भी डाल सकते हैं। अलबत्ता आंखों में दवाई डालने के मुतालिक उलमाए किराम की आरा मुख्तलिफ हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि दौरान रोजा अगर आंख में दवाई डाली तो रोजा टूट जाएगा, और बाज़ उलमा फरमाते हैं इससे रोजा नहीं टूटेगा। बहरहाल इससे बचना चाहिए। अगर किसी शख्स ने आंख में दवाई डाली भी, मसलन किसी शख्स ने ऑपरेशन किया है और डॉक्टर कहते हैं कि बार बार आंख में दवाई डालनी चाहिए, तो इस तरह अगर वो दवाई डालता है तो बहरहाल हमारे जो असतसा किराम है उनका मौकफ ये है कि इससे रोजा नहीं टूटेगा। अच्छा, एक और अहम सवाल है, वो ये कि रोजा की हालत में मियाँ बीवी बाहम किस हद तक एक दूसरे के साथ ताल्लुक रख सकते हैं, और जिसका जिससे रोजा ना टूटे, या किन सूरतों में रोजा टूट जाता है मियाँ बीवी के आपस के मामला से? जो रोजा है वो है खाने पीने और जिमा से अपने आप को रोकना। दौरान रोजा अगर खाया पिया या जिमा किया और याद भी था रोज़ा, तो रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी इकट्ठे सोते हैं, बोसो किनार होते हैं, और बोसो किनार होते में जो औरत ने कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े इतने मोटे हैं कि जिस्म की गर्मी महसूस नहीं होती, और बोसो किनार से इनजार यानी मनी भी खारिज नहीं हुई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर बोसो किनार करते हुए मनी खारिज हो गई, अगरचे दोनों नंगे नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर बोसो किनार की वजह से मनी खारिज हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता इस सूरत में सिर्फ कज़ा होगी, कफारा लाजम नहीं। साथ ही हमारे आज के तमाम सवाल मुकम्मल हुए, इंशाल्लाह अगले सिलसिले के लिए हम फिर से हाजिर होंगे। एक छोटा सा सवाल बाकी है, कोई फर्द कुली कर रहा था जी, और बिला कसर पानी हल्क से नीचे उतर गया, तो इसके मुताबिक क्या हुक्म है? जी, हमें कुली करते हुए वुजू के दौरान या गुस्ल के दौरान खासी एहतियात करनी चाहिए। अगर किसी शख्स ने कुली की और उसको रोज़ा भी याद है और बे एहतियाती से दौरान कुल्ली पानी हल्क के नीचे चला गया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, अलबत्ता कफारा इस पे लाजिम नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही हमारे आज के सवाल मुकम्मल हुए, इंशाल्लाह अगले सिलसिले में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।